सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर TA हो, STA, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 210 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके STA के एग्जाम के लिए, TA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 2007 में नेट के परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये चेन्नई में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कहाँ स्थित है, तो चेन्नई आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि गेहूँ की फसल का उत्पादन 6 टन प्रति हेक्टेयर हो और वाष्पोत्सर्जन 40 सेंटीमीटर हो, तो गेहूँ की जल उपयोग दक्षता बताना है कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल कैमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ज्वार को हम कैमल क्रॉप के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एग्री सिल्वी पास्चर के अवयव हैं कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो एग्री सिल्वी पास्चर के अंदर फसल भी आ जाएगा, वृक्ष भी आ जाएगा, चारागाह भी आएगा, पशु भी आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पौधे नत्रजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक इनफिल्ट्रेशन दर वाली मृदा किस समूह से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एरिडिसोल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक खरपतवार नाशी है? खरपतवार नाशी का नाम बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि आइसोप्रोट्रॉन जो है, ये एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस फसल में सर्वाधिक असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं? असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, बताना है कौन सी फसल के अंदर सर्वाधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि अरंडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा, भारतीय मृदा में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ZN की। सूक्ष्म पूछा है तो इसलिए ZN आ जाएगा। अगर सीधे पूछता कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस उर्वरक में सर्वाधिक जस्ते की मात्रा होती है? तो जस्ते की मात्रा सर्वाधिक होती है ZNO में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर बताना है आईफॉर्म किससे संबंधित है। तो आईफॉर्म जो संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण से, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्यूफोर्ट स्केल जो है, इसके द्वारा क्या नापते हैं? तो ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा जो मापन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है विंड प्रेशर या स्ट्रेंथ का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभाविता, यानी कि एपिकल डोरमेंस अवरुद्ध की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर साइटोकाइनिन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन कह रहा है प्रति यूनिट वजन के आधार पर किस गैस का सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो आपको यहाँ पर बता देना है N2O, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे के किस आर्थिक भाग से लौंग प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूल कलिका का, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 मिली हेक्टेयर, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, अच्छा क्वेश्चन है, तो FE याद रखना है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैक्टोज के किस में परिवर्तन के कारण दूध जो होता है खट्टा हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होने के कारण दूध जो होता है दोस्तों वो खट्टा हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आसान क्वेश्चन है, बी और सी, यहाँ पर याद रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, क्वेश्चन कह रहा है असहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एजोक्टोबैक्टर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है, तो ये उत्पादित होता है दोस्तों एस्परजिलस फ्लैक्स से, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एस्परजिलस फ्लैक्स से अफ्लाटॉक्सिन उत्पादित होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीवाणु एंडोटॉक्सिक गाल उत्पन्न करता है, तो याद रखेंगे एंडोटॉक्सिन गाल जो उत्पन्न करता है वो बेसिलस थोरिजेंसिस उत्पन्न करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कर रहा है DNA किससे निर्मित होता है, तो इसका निर्माण पूछा है, तो क्रोमेटिन याद रखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन से वायरस का अनुवांशिक पदार्थ DNA है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखेंगे फॉक्स वायरस, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एक सिंगल डोज एंटी कोगुलेट्रो एंटीसाइड है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रोमोडाइलोन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, क्वेश्चन कर रहा है शून्य भू परिष्करण से मृदा का कौन सा गुण नहीं बदलेगा, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृदा विन्यास नहीं बदलेगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इयान बिलमुट का संबंध किससे है, तो इनका संबंध हो जाएगा डॉली के विकास से, डॉली क्या है एक प्रकार की भेड़ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विलयन का pH मान 5 हो तथा डिस्टिल वाटर से इसकी सांद्रता 100 गुना कम की जाए तो इसका pH मान होगा, तो उसका pH मान हो जाएगा दोस्तों 5.5, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, क्वेश्चन कह रहा है खुरपका मुंहपका रोग है जिसको FMD कहते हैं, यह एक प्रकार का रोग है, कैसा है ये बताना है, तो ये एक प्रकार का वायरस जनित रोग है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू का पहला मामला प्रकाश में आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोहा एशियन गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते, तो याद रखेंगे दोस्तों 54 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैंपल सर्वे एजेंसी के अनुसार विश्व में 200 मिलियन लोगों की प्रतिदिन आय आपको बताना है रुपए से भी कम है, कितने रुपए से भी कम है ये आपको बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक रंग है, इजी क्वेश्चन दोस्तों,
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लाल, नीला और हरा, ये जो हैं ये क्या हैं, प्राथमिक कलर हैं, प्राइमरी कलर हैं, लाल, नीला, हरा, तीनों आपको याद रखना है प्राथमिक रंग। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक इंडो आर्यन भाषा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिल, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कह रहा है रेनबो ट्राउट मछली जो है किस पानी में पाई जाती है, रेनबो ट्राउट जो मछली है किस पानी में पाई जाती है, तो ये पानी पाई जाती है कोल्ड वाटर के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2006 में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों एडम्स ए फेल्सपर को, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन कह रहा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, तो आपको बताना है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों दर्द निवारक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंबाइन हार्वेस्टर का भाग है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बीटर सेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की आवश्यकता के अनुसार सही क्रम बताना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों सही क्रम जो हो जाएगा हमारा वाटर सेड, उसके बाद कैचमेंट, उसके बाद बेसिन, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण जो होता है दोस्तों वो बोन मेरो के अंदर होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कह रहा है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में कौन सा वायरस टीका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवित वायरस का टीका, यहाँ पर ए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवित वायरस का टीका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल्स, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से रेडियो आइसोटॉप है, तो P32 जो है दोस्तों ये एक प्रकार का रेडियो आइसोटॉप है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसकी सहायता से पादपों की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो ये किया जाता है वार्षिक वलय, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनुअल रिंग्स, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21%, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रसार में समाज के अंदर व बाहरी गुणों का निर्धारण किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों वान डायग्रामिंग से, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक एफिनिटी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि CO, याद रखेंगे CO। क्वेश्चन नंबर 48 आसान क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है, तो सब लोग जानते हैं नीली क्रांति का जो संबंध है वो हो जाएगा यहाँ पर एक्वा कल्चर से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन करा सफ़ेद क्रांति का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों वर्गीज कुरियन, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है बोर्डेक्स पेस्ट जो है इसका मिश्रण होता है,
तो बोर्डेक्स पेस्ट का जो मिश्रण होता है दोस्तों वो कॉपर सल्फेट प्लस चूना का होता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 प्लस चूना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का अन्य नाम है, तो विटामिन सी का अन्य नाम होता है दोस्तों एस्कार्बिकम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है परागण के दौरान आपको बताना है गाइनोसियस का कौन सा अंग सबसे पहले पराग कण ग्रहण करता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है परागण के दौरान गाइनोसियस का कौन सा अंग जो है सबसे पहले पराग कण को ग्रहण करता है, तो नाम आपको बताना है तो वर्तिका यानी स्ट्रिगमा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रिगमा आपको याद रखना है वर्तिका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाश्मीना बताना है किससे प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होता पाश्मीना ये बकरी से प्राप्त होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मृदा आकार के अध्ययन को कहा जाता है, तो मृदा आकार के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, तो जियोडेसी के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है, तो हानि आपको बता देना है दोस्तों विटामिन की होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IPR का पूर्ण नाम क्या होता है, IPR का पूर्ण नाम बताना है क्या होता है, तो इसका नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, अब दोस्तों 54 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो कि कृषि अनुसंधान सेवा यानी नेट परीक्षा 2009 में पूछे गए प्रश्न हैं, चलिए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है टेरी का पूर्ण रूप है, टेरी का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है नरेगा है, तो नरेगा बताना क्या है, तो नरेगा हो जाएगा दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक रोजगार कार्यक्रम देना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है, आपको बताना है यूकैरियोटिक जीव नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जीवाणु जो है ये यूकैरियोटिक जीव नहीं है, बाकी कवक शैवाल वायरस ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं के किस रोग का भारत में पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, तो रिएंडर पेस्ट याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का वर्ष 2007-08 में खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन था, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 230 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घटते हुए क्रम में अनाज वाली फसलों का भारत में उत्पादन बताना है, तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में बताना है चावल गेहूँ मक्का, ये घटता हुआ क्रम है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मादा बकरी को कहते हैं, तो मादा बकरी को किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, तो इसको हम नैनी के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिलापिया मोजाम्बिका क्या है, तो आपको बताना है टिलापिया मोजाम्बिका क्या है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों विदेशी चाइनीज मछली है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि मुख्य सूक्ष्म जीव ब्यूरो NBAIM कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों मऊ नाथ भंजन में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई है, तो आपको बता देना है 6000 किलोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंडो गैंगेटिक मैदान की मुख्य सस्य पद्धति कौन सी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धान और गेहूँ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कह रहा है किसके उपयोग से टमाटर के केचप को परिरक्षित किया जाता है, तो वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में किस तत्व की कमी होती है, तो लोहा की कमी पाई जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में पीलेपन का मुख्य कारण, तो वो हो जाएगा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। किस पशु के दूध में लाइसोलाइजिल पाया जाता है, तो आपको बताना है लाइसोजाइम है किस पशु के दूध में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो ऊँट के दूध के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन कह रहा है गाल ब्लेडर किसमें अनुपस्थित होता है, तो आपको बता देना है दोस्तों ये घोड़ा के अंदर अनुपस्थित होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नस्ल जो है गाय की नहीं है, नहीं पूछा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा भदावरी जो है एक प्रकार की भैंस की नस्ल है, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बायो एजेंट नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपको बता देना है हेल्कोवर्पा आर्मीजीरा, ये एक प्रकार का बायो एजेंट नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस का नाम बता देना है, तो CH4 यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एसिटोबैक्टर डाई जो ट्रॉफिक्स, यहाँ पर याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 24। क्वेश्चन कह रहा है जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपको बता देना है फर्टिगेशन विद यूरिया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मिड, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूक्ष्म जीवों में अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ जो पाया जाता है वो प्लाज्मिड होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम समजात जीनों के साथ टैक्सोन पाया जाता है, आपको बताना है अधिकतम समजात जीनों के साथ टैक्सोन जो पाया जाता है वो हो जाएगा यहाँ पर स्पीसीज में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यन ई बोरलॉग को नोबल पुरस्कार 1970 में किस क्षेत्र में मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा शांति क्षेत्र में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड सेकंड का संबंध है भारत में बाढ़ नियंत्रण से नहीं, खाद्यान्न उत्पादन से, ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन और हैं उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे असीमित संसाधन है, आपको बताना है असीमित संसाधन कौन सा है, वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सूर्य ऊर्जा के साथ जलवायु, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होता है वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी हॉर्स है, तो सी हॉर्स एक प्रकार की बॉनी फिश होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन करा पनीर का बाई प्रोडक्ट है तो इसका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा वे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर, 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मछली का तेल प्रचुर स्रोत है तो ये प्रचुर स्रोत हो जाएगा विटामिन्स का। 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ओलेरी कल्चर का अध्ययन किया जाता है तो सब्जियों के अध्ययन को ही ओलेरी कल्चर कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा भारत में हाल में ही मान्यता प्राप्त परिजीनी फसल कौन सी है यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, ये आपको बताना है तो यहाँ पर कपास राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत में हाल ही में मान्यता प्राप्त परिजीनी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो कपास हो जाएगी, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कर रहा है यदि 8 संख्याओं का औसत 64 हो तथा 4 संख्याओं का औसत 32 हो तो कुल संख्या यानी कि कुल 32 संख्याओं का संयुक्त औसत कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि देशांतर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना निषेचन की क्रिया के अंडकोशिका से भ्रूण का विकास कहलाता है तो उसको हम दोस्तों पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलहनी भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दलदली है, दलदली भूमि में आपको बताना है लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, वो हो जाएगा यहाँ पर यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पानी की आवश्यकता अधिक होती है इसलिए दलदली भूमि में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, क्वेश्चन कह रहा है माइकोराइजा किसकी उपलब्धता बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है दोस्तों फास्फोरस के, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मछली का परजीवी नहीं है, परजीवी नहीं पूछा है, पैरासाइट नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मछली स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ तालाब में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देसी मछली, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45, 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है कोरिलेशन कोफिशियंट ज्ञात करता है, आपको बताना है कोरिलेशन कोफिशियंट ज्ञात करता है तो ये ज्ञात करता है दोस्तों नॉन लीनियर संबंध को भी ज्ञात करता है, लीनियर संबंध को भी ज्ञात करना है, डिपेंडेंट रिलेशनशिप को भी ज्ञात करता है, उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, क्वेश्चन कह रहा है पूसा बासमती किसकी उन्नत किस्म है, तो ये जो किस्म है दोस्तों ये चावल की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बताना है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोसोपिस साइनेरिया, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक भारत में दलहन फसल नहीं है, नहीं पूछा है दलहन फसल, तो यहाँ पर आपको बता देना आरेकिस हाइपोजिया, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कैजानस कैजान भी है, विग्ना रेडिएटा भी है और साइसा रेडिटेनम भी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है यदि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 141 मिलियन हेक्टेयर है तथा डबल फसलित क्षेत्रफल 47 मिलियन हेक्टेयर है तो आपको बताना है फसल सघनता कितने प्रतिशत होगी, अच्छा क्वेश्चन है तो 133% आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन कराए प्रक्षेत्र मशीनों में शामिल हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों ट्रैक्टर चलित हल भी है, हैंड टूल्स भी हैं और पशु चलित हल भी है। उपरोक्त सभी यहाँ पर याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं साइटोकाइनिन का मुख्य संश्लेषक होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सक्रिय वृद्धि करते हुए पॉइंट्स में, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिल्का लगून यानी झील जो है कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील जो है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गार्डस का संबंध किस कुल से है, तो गार्डस का जो संबंध है दोस्तों तो वो हो जाएगा यहाँ पर कुकुरबिटेसी फैमिली से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है mRNA से प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि अनुवादकरण, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 54 क्वेश्चन दोस्तों हमारे समाप्त हुए। अब हम लोग 100 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं ADA के अंदर, चलिए उनको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेत्र प्रबंध के कुल कितने सिद्धांत हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 याद रखना है। प्रक्षेत्र प्रबंध के कुल कितने सिद्धांत हैं, 7। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले में हरापन हटाने के लिए प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इथाइलीन का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखें कि 1964 में हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन नींबू आपको बताना किस नींबू वर्गीय प्रजाति में कांटे नहीं होते हैं, कांटे रहित आपकी बताना है नींबू वर्गीय प्रजाति कौन सी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों ताहिती लाइन, जिसको हम कह सकते हैं ताहिती नींबू, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है बंची टॉप ऑफ बनाना यानी कि केले का गुच्छित चूड़ बीमारी जो है निम्न में से किस देश से भारत में आई, देश का नाम बताना है, तो श्रीलंका आपको याद रखना है, बंची टॉप ऑफ बनाना जो है ये श्रीलंका से बीमारी आई थी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन का देहिक आधार है, तो जीवन का देहिक आधार जो माना गया दोस्तों वो प्रोटोप्लाज्म को माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सबसे ज़्यादा फल उत्पादकता किसमें है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारस जो है एक प्रजाति है किसकी, तो पारस जो प्रजाति है दोस्तों ये जामुन की वैरायटी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पोमोलॉजी का उद्भव हुआ है, तो पोमोलॉजी का उद्भव आपको बताना है हुआ है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक लैटिन दोनों शब्द हैं, तो यहाँ पर मेन रूप से दिया नहीं है ऑप्शन कि ग्रीक और यहाँ पर लैटिन, तो यहाँ पर ग्रीक के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 अंतर प्रजातों में कितने एकल संकर बनेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 10, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। जीवों में DNA किस रूप में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों बी रूप में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई ब्रीड होते हैं, तो वाई ब्रीड जो होते हैं दोस्तों यह एक प्रकार के असंगजनित संकर होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है याम जो होता है कौन सा वृद्धि नियामक प्राप्त किया जाता है, तो आपको बताना है याम से कौन सा वृद्धि नियामक प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाटासीन, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20% तेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कह रहा है मटर की पर्ण रहित प्रजाति कौन सी है, तो आपको बता देना है अर्पणा,
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित होती है, तो ये होती है सीखने वाले के लिए, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ, तो आपको बता देना है 1999 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, क्वेश्चन कह रहा है लेवी मूल्य लागू होता है, तो ये लागू होता है दोस्तों व्यापारियों पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली IPS 147 किसकी प्रजाति है, तो ये प्रजाति हो जाएगी दोस्तों कोदो की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की SRI तकनीक जो है विकसित की गई थी, तो ये विकसित की गई थी मेडागास्कर से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना था, तो ये बना था दोस्तों 1901 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, क्वेश्चन कह रहा है धान की खैरा बीमारी का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण आपको बता देना है ZN यानी कि जस्ता की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारतवर्ष में 75% दलहन उत्पादन हेतु उत्तरदायी हैं, तो नाम बताना है दोस्तों चना और अरहर याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइजर की बीज दर बताना है कितनी होती है, तो नाइजर की बीज दर सीड रेट बताना है, तो 5 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा नीम से प्राप्त विष है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि मेलियान ट्रियोल, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेलिया इंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु अचल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पुष्पन जो है हार्मोन नहीं है, हार्मोन नहीं है ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा एंथ्रेसील, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लासो बताना है किस शाकनाशी का अन्य नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा एला क्लोर का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु असहजीवी वायुजीवी है, उस जीवाणु का नाम बताना दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एजोक्टोबैक्टर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत लहरों से तापमान सामान्य से कितना कम रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, क्वेश्चन कह रहा है कितने पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणुओं में 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, जीवाणुओं में 1 मोल ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 38 ATP उत्पन्न होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा C4 पौधा नहीं है, नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये C4 पौधा नहीं है, बाकी साइप्रस मक्का और चौलाई जो है ये तीनों ही क्या है C4 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गंटर जंजीर की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई पूछा है तो आपको 66 फिट याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बाइपोलारिस एक जैविक शाकनाशी है जिसका प्रयोग इस खरपतवार के विरुद्ध किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि सोरगम हेलिपेंस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वनिश्चयता यानी कि सेल्फ इनकम, यहाँ पर देखेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसके विकास में सहायक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है किसके विकास में सहायक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये शुद्ध वंश प्रजाति के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
भूमि तुल्य अनुपात का प्रयोग किसके मूल्यांकन में करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतरासन प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन करें मृदा में ऊष्मा संचार मुख्य रूप से किस विधि से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संचालन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सी व्याधि जस्ता की कमी नहीं होती है? तो बताना है कौन सी व्याधि जस्ता की कमी से नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फलों का डाईबैग जो होता है ये जेडन की कमी से नहीं होता, बाकी धान का खैरा रोग, नींबू की फ्रेंचिंग और मक्के में सफ़ेद टिप, ये तीनों ही जेडन की कमी से होता है, यानी जस्ते की कमी से होता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं लिखा हुआ है NAIP कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जुलाई 2006 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन करा है एक वार्ता के लिए कितने फ्लैश कार्डों का उपयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक हेक्टेयर नेपियर घास की रोपाई के लिए कितने रूट स्लिप की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना एक हेक्टेयर नेपियर घास की रोपाई के लिए कितनी रूट स्लिप की आवश्यकता होती है? तो आपको बता देना दोस्तों 27,800। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पावर टिलर का विनिर्माण किस देश के सहयोग से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन प्रचुर कंदीय फसल है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरबी यानी कि घुइयां का। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायो सुपर किन पदार्थों से बनाया जाता है? तो बायो सुपर जो है ये बनाया जाता है दोस्तों रॉक फास्फेट और गंधक से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सहचारी सस्यन का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा दोस्तों गन्ना और आलू। 48 नंबर क्वेश्चन भारत में मशीनीकरण गुणांक यानी SI किस फसल से सर्वाधिक है? तो भारत में मशीनीकरण गुणांक किस फसल में सर्वाधिक है? तो आपको बता देना है दोस्तों गेहूं, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरबूज की किस्म जो है पूसा बेदाना, इसका क्रॉस बताना किसका संकरण है? तो पूसा बेदाना जो है तरबूज की सीडलेस वेराइटी है, तो इसका क्रॉस जो है दोस्तों वो टेट्रा टू पूसा रसाल के बीच में हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पंत उपहार बताना किसकी प्रजाति है? तो ये हो जाएगी मटर की वैरायटी है पंत उपहार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज की कौन सी प्रजाति जो है खरीफ में रोपाई के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्का कल्याण, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाजर में रंग विकास हेतु सबसे अच्छा तापमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 किन्नो बताना है किसका कहाँ का मूलज है? तो किन्नो जो है मूलज क्या है, इसका मूलज हो जाएगा दोस्तों मैंडरीन, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 क्वेश्चन कर रहा है विटामिन सी की प्रचुर स्रोत वाली सब्जी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिमला मिर्च, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गायनो मोनोसियस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो गायनो मोनोसियस प्रकार के जो पुष्प पाए जाते हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं खीरा के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है क्वेश्चन कर रहा है गांठ गोभी की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आम की प्रजाति को सिंधु में आवर्ती जनक के रूप में प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रत्ना, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन से धान की कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि धान की जो कटाई है अप्रैल मई के महीने में जो होती है वो होती है बोरों की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। अर्थशास्त्र के कल्याण की परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पादन का एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे कहा जाता है? तो इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर मोनो पॉलियोपस्टिक, एक मिनट दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों मोनोपसोनी के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पादन एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं? उसको मोनोपसोनी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन कह रहा है, समो उत्पादन वक्र के लिए कौन सा कथन असत्य है? समो उत्पादन वक्र के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यह केंद्र की और अवतल होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? खेती का प्रकार नहीं है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर सामूहिक खेती का प्रकार नहीं होता, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिकतम लाभ किस कृषि पद्धति का उद्देश्य है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूंजीपति खेती, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पिट मृदा होती है, तो आपको बताना है पिट मृदा क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय मृदा को ही पिट मृदा कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आयरन सल्फेट का जिप्सम समतुल्यांक बताना होता है, आयरन सल्फेट का जिप्सम समतुल्यांक होता है कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.62 होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश की कौन सी स्थानीय मृदा वर्टिसोल से मिलती है? तो वो हो जाएगी कन्हार, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश की स्केलेटल मृदा किस आर्डर में आती है? स्केलेटल मृदा किस आर्डर के अंतर्गत आती है? तो आपको बता देना है एंटीसोल के अंतर्गत आती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, अमोनियम सल्फेट है, तो आपको बताना है अमोनियम सल्फेट है, तो यह एक प्रकार का सरल उर्वरक है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी अवसादी सेल नहीं है? नहीं पूछा है तो मार्बल जो है अवसादी सेल नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डोलोमाइट चूना पत्थर सेल ये अवसादी चट्टान है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको बताना पी एफ वैल्यू 4.18 दर्शाती है, तो ये दर्शाती है दोस्तों मलानी बिंदु, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, जल ग्रहण क्षेत्र है, तो जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा भौतिक प्रणाली भी, जैविक है सामाजिक है, यानी सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोलमेज चर्चा कहलाती है,
तो इसको हम दोस्तों पैनल के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा की गति नापी जाती है, तो ये नापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एनपीवी की मात्रा है तो वो हो जाएगी दोस्तों 250 LE। क्वेश्चन नंबर 76, बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है, तो बुशनिंग प्रक्रिया धान में की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों TFRI की क्षेत्रीय प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, TFRI की क्षेत्रीय जो प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जबलपुर में, जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, फुहारा विधि से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर 78 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला KVK कहाँ स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ था पांडुचेरी में। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंश पूंजी में केंद्र सरकार की भागीदारी होती है, तो वो होती है दोस्तों 50%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81, क्वेश्चन कह रहा है जेसिड कीट बताना धान के किस रोग के प्रसार में सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टुंगरो, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त तापमान है, तो उसके लिए उपयुक्त तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेस्ट माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है किस वर्ग में आएगा, तो वो छोटा किसान कहलाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग में आएगा, इसमें छोटे वर्ग में आएगा, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85, यहाँ पर देखेंगे हर्रा का वनस्पतिक नाम क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनेलिया चेबुला, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टर्मिनेलिया चेबुला याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कर रहा है सपोटा जिसको हम चीकू कहते हैं का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट के अंदर बताना दोस्तों, चीकू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संकुल प्रदर्शन का, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की अंबे बहार फसल नियमन के लिए यूरिया का छिड़काव दर क्या रखेंगे, तो 10 से लेकर 11% रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, क्वेश्चन कर रहा आर्नॉन एवं स्ट्राउट ने किस तत्व की अनिवार्यता की कसौटी स्थापित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की, डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस का मान जो है ज्ञात करने के लिए PO5 को गुणा करते हैं, फास्फोरस का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 का गुणा करते हैं किससे, तो याद रखेंगे दोस्तों 0.44 से गुणा कर देते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है फलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सिल्वर फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसका अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, क्वेश्चन कर रहा है मृदा कण का औसत घनत्व बताना है, तो मृदा कण का औसत घनत्व क्या होता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2.6 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर देखें 94, निम्न में से कौन सा बायो कीटनाशी नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको बता देना है कार्बेरिल, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन करा है बलराम योजना संबंधित है, तो यह जो योजना है दोस्तों ये जल प्रबंधन से संबंधित है। 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन करा है जब फसल की नई प्रजाति संतुप्त की जाती है तो बताना है, तो यह आंशिक बजट बनाना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंशिक बजट बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतः फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात होता है, तो अनुपात बता देना है 9:1, ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो आम्रपाली आपको बता देना है दोस्तों यह आम की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास में बिनोला होता है, तो वो होता है 65% से लेकर 70%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है उफरा रोग किस फसल में मुख्यतः लगता है, तो उफरा रोग जो लगता है दोस्तों ये धान की फसल में देखने को मिलता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई, आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं, कल टेस्ट सीरीज करवाएंगे आप लोगों को, तो कम से कम 100 या 150 प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए STE के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।